हेलो एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोकस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अयोध्या राम मंदिर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम परस्पेक्टिव से हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे एंड वी विल बी न्यूट्रल थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस टेम्पल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अयोध्या राम मंदिर। अगर हम बात करें ये कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, तो द आंसर विल बी नागर स्टाइल और नागरा स्टाइल। इसकी जो लोकेशन है वो है राम जन्मभूमि अयोध्या में इसकी लोकेशन है, और ये कंप्लीट हुआ था ऑन 22 जनवरी 2024 को। अगर हम बात करें इसे किसने बनवाया है बेसिकली, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसका नाम आपने ध्यान में रखना है। इट इज़ बिल्ट बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अराउंड 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। और इसके आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा फैमिली। टोटल एलोकेटेड एरिया जो है दैट इज़ ऑफ 70 acres, इसका टोटल एलोकेटेड एरिया है। और अगर हम बात करें कौन सी कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है, सो इट वॉज डिज़ाइन एंड बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो, LNT करके इसका नाम आपने सुना होगा। लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया है एंड इट इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्कल्प्टेड द आइडल्स ऑफ रामलला फॉर द राम मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण योगी राज। तो अरुण योगी राज इन्होंने जो आइडल्स यानी कि जो मूर्तियां हैं रामलला की, इन्होंने इनको स्कल्प्ट किया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। द आइडल ऑफ रामलला वॉज अनवील्ड एट श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन अयोध्या बाय मुसूरू बेस्ड स्कल्प्टर अरुण योगी राज ने इन्हें स्कल्प्ट किया है। ये आपने बेसिकली ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When was the भूमि पूजन एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम मंदिर was done? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5th of August 2020। तो 5th of August 2020 को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने परफॉर्म किया था भूमि पूजन। तो भूमि पूजन हुआ था इसका 2020 में, एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या ऑन 5th of August 2020। तो 5th of August 2020 को फाउंडेशन स्टोन रखा गया था अयोध्या राम टेम्पल का। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द मेन डोम ऑफ द अयोध्या राम मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 141 feet। तो 161 feet इट इज़ द हाइट ऑफ अयोध्या राम मंदिर का जो मेन डोम है उसकी हाइट है। ये आपने ध्यान में रखना है। सो अ न्यू डिज़ाइन विद सम चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल वॉज प्रिपेयर्ड बाय द सोमपुराज इन 2020 एज पर द हिंदू टेक्स्ट द वास्तु शास्त्र एंड द शिल्प शास्त्र। द टेम्पल इज 76 meters, यानी 250 feet इसकी वाइड विथ है, 120 meters इसकी लेंथ है, और 49 meters यानी 161 feet इसकी हाइट है। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स टुक द डिसीजन टू बिल्ड द अयोध्या राम मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 492 years। तो आफ्टर 492 years ये डिसीजन लिया गया था टू बिल्ड द अयोध्या राम मंदिर। यू हैव टू रिमेंबर दिस। द बिगनिंग ऑफ द राम टेम्पल मूवमेंट लाइज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद इन 1528 बाय मीर बाकी, अ कमांडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर। तो मुगल एम्पायर बाबर के कमांडर थे मीर बाकी, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था बाबरी मस्जिद इन 1528। ये आपने ध्यान में रखना है। द बिलीव दैट द मॉस्क वॉज बिल्ट ऑन द रूइंस ऑफ अ हिंदू टेम्पल सेट द स्टेज फॉर डिकेड्स ऑफ डिबेट एंड क्लैशेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राम टेम्पल फर्स्ट परफॉर्म्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9th of November 1989 को फॉर द फर्स्ट टाइम जो फाउंडेशन स्टोन था राम टेम्पल का ये रखा गया था। सो इन 1989 अ दलित लेड डाउन द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन फॉर द राम मंदिर इन अयोध्या। तो 1989 में एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले एक पीपल ने रखा था फाउंडेशन स्टोन। ये आपने ध्यान में रखना है। इट वॉज ऑलवेज डिसाइडेड दैट द फर्स्ट शिला मीन्स द स्टोन
वुड बी लेड डाउन बाय समवन फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि जो फर्स्ट स्टोन होगा ये किसी दलित कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले कोई इंसान ही रखेगा फाउंडेशन स्टोन। तो इट वॉज द पर्सन हु वॉज चूजन वॉज कामेश्वर चौपल, ये आपने ध्यान में रखना है। द मैन चूजन हैपन्ड टू बी फ्रॉम द कामेश्वर चौपल हु बिलोंग्स टू द दलित फैमिली ऑफ सुपौल इन बिहार। तो बिहार के सुपौल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे कामेश्वर चौपल और इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 9th of November 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अयोध्या राम मंदिर कंस्ट्रक्शन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अप्रॉक्स 18,000 करोड़ रुपीज एस्टिमेटेड कॉस्ट है ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द राम टेम्पल इज अमंग द मोस्ट एक्सपेंसिव रिलीजियस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इन द रीसेंट ईयर्स विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 18,000 करोड़ रुपीज। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राम जन्मभूमि साइट इन अयोध्या। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस हमसे पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। तो ये सिग्निफिकेंस है अयोध्या राम जन्मभूमि साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट द ओरिजिनल टेम्पल एट अयोध्या साइट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा दशरथ। तो इट वॉज ऑलवेज बिलीव्ड दैट जो फर्स्ट जो राम टेम्पल था इट वॉज बिल्ट बाय द फादर ऑफ लॉर्ड रामा यानी कि राजा दशरथ। इन विच स्टेट इज अयोध्या लोकेटेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या लोकेटेड है, ये आप सभी को पता होगा। एंड अर्लियर इसका नाम फैजाबाद था। अयोध्या इज अ सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर सरयू इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ अयोध्या डिस्ट्रिक्ट एंड अयोध्या डिवीजन। और बेसिकली जो अयोध्या था इसका ओल्ड नेम था फैजाबाद, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम वैन बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कल्याण सिंह। तो जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था इन द ईयर 1992, तो यहाँ पर तब कल्याण सिंह वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वॉज द बाबरी मस्जिद अटैक्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6th of December 1992 को बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ था। सो ऑन 6th of December 1992 हिंदू मॉब्स टोर डाउन द बाबरी मस्जिद इंश्योरिंग रायट्स अक्रॉस द कंट्री किल्ड अबाउट 2,000 पीपल की लगभग डेथ हुई थी, ये आपने ध्यान में रखना है इन दिस बाबरी मस्जिद अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन वॉज बाबरी मस्जिद बिल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1528 में बाबरी मस्जिद को बिल्ट किया गया था। तो बाबरी मॉस्क इज बिल्ट बाय मुगल कमांडर मीर बाकी अंडर द रूल ऑफ द फर्स्ट मुगल किंग बाबर इन 1528। तो इनके कमांडर थे मीर बाकी जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था बाबरी मस्जिद का, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1992 वैन बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव ये थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब बाबरी मस्जिद पर अटैक हुआ था। तो सीएम थे यहाँ के कल्याण सिंह और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और सीएम थे यूपी के कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन अयोध्या डिस्प्यूट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9th of November 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था और अयोध्या राम मंदिर डिस्प्यूट पे जो फाइनल वर्डिक्ट था वो 9th of November 2019 को दिया था, ये आपने ध्यान में रखना है। द फाइनल जजमेंट इन द अयोध्या डिस्प्यूट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 9th of November 2019। द सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट द लैंड मस्ट बी हैंडेड ओवर टू अ ट्रस्ट टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिंदू टेम्पल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। अ सेपरेट पीस ऑफ लैंड वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड टू द मुस्लिम ग्रुप। और इसका जो एरिया था वो था 5 acres का, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो लैंड था दैट वॉज गिवन टू द हिंदूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द चेंज्ड नेम ऑफ अयोध्या? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैजाबाद। तो फैजाबाद, इट वॉज द ओल्ड नेम ऑफ अयोध्या, ये आपने ध्यान में रखना है। द ऑफिशियल नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज चेंज फ्रॉम फैजाबाद टू अयोध्या इन नवम्बर 2018। तो नवम्बर 2018 में जो फैजाबाद नेम था अयोध्या का, इट वॉज चेंज टू अयोध्या। मीन्स द ओल्ड नेम वॉज फैजाबाद एंड नाउ इट इज अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट इन द ईयर 1992 व्हेन बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1992 में, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। सो ही वॉज द नाइन्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1992 टू 1997। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रूल्ड इन अयोध्या राम जन्मभूमि मस्जिद लैंड डिस्प्यूट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइव जजेस। तो फाइव जजेस दे वर इन्वॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट वॉज रूल्ड इन अयोध्या राम मंदिर अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट। तो इसका कंप्लीट नेम है अयोध्या राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट, और इसमें जो जजेस इन्वॉल्व थे, द टोटल नंबर ऑफ जजेस वर फाइव। सो प्रोक्लेम द जजमेंट ऑफ द फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेड बाय CJI रंजन गोगोई, एंड एट द टाइम जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के वो थे मिस्टर रंजन गोगोई, विच वॉज ऑन 9 नवंबर 2019 हेल्ड दैट द डिस्प्यूटेड लैंड बिलोंग टू श्री रामलला विराजमान द इन्फेंट डेटी द सुन्नी वक्फ बोर्ड वॉज अवार्डेड 5 acres ऑफ लैंड विद इन अयोध्या। और सुनीस को दे वर अवार्डेड 5 acres लैंड इन अयोध्या टू बिल्ड देयर मॉस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द हाइट ऑफ द मेन डोम ऑफ द अयोध्या राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 141, नॉट इट मस्ट बी 161 feet, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जजमेंट ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड वॉज गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 acres। तो 5 acres का लैंड मिला था टू द मुस्लिम्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क बाबरी मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मटेरियल वॉज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन को यूज़ किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ये आपने ध्यान में रखना है। द मेन टेम्पल स्ट्रक्चर फीचर्स बंसी पहारपुर पिंक सैंडस्टोन सोर्स फ्रॉम राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से इसको लाया गया था, इस सैंडस्टोन को। ग्रेनाइट स्टोन्स आर यूटिलाइज्ड इन द प्लिंथ्स प्रोवाइडिंग अ ड्यूरेबल एंड रेजिलिएंट फाउंडेशन फॉर द टेंपल। और ग्रेनाइट की इसकी फाउंडेशन, ग्रेनाइट स्टोन की इसकी फाउंडेशन प्रिपेयर की गई है, एंड द यूज ऑफ ग्रेनाइट एड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल लॉन्गेविटी ऑफ द टेम्पल, ये आपने ध्यान में रखना है। और ग्रेनाइट इसको लॉन्ग ड्यूरेबल इसको बनाता है, फॉर लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी ग्रेनाइट और उसको यूज़ किया गया है फॉर फाउंडेशन। और बेसिकली इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सैंडस्टोन से किया गया है, जिनको लाया गया था फ्रॉम राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द मूवमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अयोध्या राम मंदिर इन द लेट 20th century? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एल के अडवाणी। तो एल के अडवाणी, इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर। द कंस्ट्रक्शन बिगेन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 2019 वेयर द एपेक्स कोर्ट इन अ हिस्टोरिक जजमेंट हैंडेड ओवर द डिस्प्यूटेड 2.77 acres साइट इन अयोध्या टू हिंदू साइट फॉर द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। तो हिंदूज को देवर गिवन द एरिया ऑफ 2.77 acres, एंड चंद्रकांत सोमपुरा इज अ मेन आर्किटेक्ट ऑफ श्री राम मंदिर की, ये मेन आर्किटेक्ट हैं, आपने ध्यान में रखना है, चंद्रकांत सोमपुरा। और मुस्लिम्स देवर अवॉर्डेड द लैंड ऑफ 5 acres, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनाउंस इट्स वर्डिक्ट ऑन द अयोध्या लैंड डिस्प्यूट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन द ईयर 2019 जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया था एट द टॉपिक ऑफ अयोध्या राम मंदिर, ये आपने ध्यान में रखना है। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट के ऊपर अपना जो लास्ट वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 2019 में दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था अयोध्या राम मंदिर का रिसेंटली। इसके अलावा फॉर कर्मेश्वर चौपल द मैन हु लेड द फर्स्ट शिला, और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था इन द ईयर 1992 में जो फर्स्ट स्टोन रखा गया था, दैट वॉज लेड बाय कामेश्वर चौपल। And he laid the first Shila stone for the construction of Ram temple in Ayodhya along a lifelong mission in coming to fruition. Next question, what is the name of the deity installed at the Ayodhya Ram Mandir? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रामा। तो लॉर्ड रामा, इनकी आइडल को इंस्टॉल किया जाएगा इन द अयोध्या राम मंदिर, किया जा चुका है इन द अयोध्या राम मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द नेम ऑफ द सेक्रेड वाटर बॉडी लोकेटेड नियर द अयोध्या राम मंदिर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरयू रिवर। तो सरयू रिवर के बैंक पे लोकेटेड है अयोध्या, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लैक स्टोन, यानी कि शालिग्राम शिला यूज इन द राम मंदिर फाउंडेशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ब्लैक स्टोन को यूज किया गया था फॉर द फाउंडेशन ऑफ द राम मंदिर, जिसका नाम था शालिग्राम शिला, और इसका जो मेन जो इसका सिग्निफिकेंस है यानी इंपॉर्टेंस है, दैट इज इट इज द सिंबल ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एपिक इज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामायणा। तो रामायणा, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक जो रिलेटेड है विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये नाम है उस ट्रस्ट का जो है बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर, यानी राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के पीछे जो ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। 15 मेंबर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इज सेट अप टू ओवरसी द कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द टेंपल। तो ये इसमें कितने मेंबर्स हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इट इज अराउंड 15, यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द अयोध्या राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागर स्टाइल। तो नागर स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है अयोध्या राम मंदिर, ये आपने ध्यान में रखना है। रेनाउंड आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा हेलिंग फ्रॉम अ लीनियज ऑफ टेंपल आर्किटेक्ट सर्व्स एज द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड द मैग्निफिशेंट राम मंदिर। तो जो चीफ आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सोमपुरा फैमिली बेसिकली हम कह सकते हैं, बट जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे चंद्रकांत सोमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड डस द राम मंदिर कॉम्प्लेक्स इनकम्पास? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो राम मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, इट इनकम्पासेस द एरिया ऑफ 70 acres, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो एस्टिमेटेड एट 1800 crores, 18,000 crores, इट मस्ट बी 18,000 crores, द टेम्पल कवर्ड एन एक्सपेंसिव 70 acres showcasing द आर्किटेक्चरल marvel, स्पैनिंग 250 feet width, 161 feet height, and the main temple area covers 2.67, जो main temple area है उसका area भी आपको ध्यान में रखना है, 2.67 acres, boasting 390 pillars। तो इसमें देखिए 390 pillars हैं, 46 doorways हैं और 5 mandaps हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, 390 pillars, 46 doorways and 5 mandaps, और जो मेन टेम्पल का जो एरिया है, दैट इज 2.67 acres, यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो हाइट है और जो लेंथ है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वो भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेरवर एट द अयोध्या राम मंदिर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिवाली। सो दिवाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ अयोध्या राम मंदिर, बिकॉज द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, इट सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कमिंग ऑफ लॉर्ड रामा आफ्टर द 14 years of exile।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द ऑस्पिशियस ड्यूरेशन फॉर द अयोध्या राम मंदिर कंसेंट्रेशन सेरेमनी. तो देखिए जो राम मंदिर के जो जो राम मंदिर की कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी थी यानी जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह था इसकी जो शुभ अवधि थी यानी कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो कितना था. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 84 सेकंड्स का इसका टाइम ड्यूरेशन था. तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड एन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम काशी चूज द मोमेंट which was considered the most accurate during which the Ram Lala idol will be consecrated. This auspicious moment will last for 84 seconds. तो इसका जो time duration उन्होंने बताया था that was for 84 seconds. और ये कब से था 12:29 minutes and 8 seconds to 12 o'clock 30 minutes and 32 seconds. This was the time duration. ये आपने ध्यान में रखना है. तो आपको ये जो पंडित जी थे इनका नाम भी ध्यान में रखना है, पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़. इन्होंने जो ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजर है फ्रॉम काशी और इन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन को सेलेक्ट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम जन्मभूमि न्यास, या फिर हमने ऑलरेडी इसका कंप्लीट नेम डिस्कस कर चुके हैं. तो इसका कंप्लीट नेम है अयोध्या जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट. एंड अकॉर्डिंग टू ईटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एज द ऑथोराइज्ड बॉडी इंटरेस्टेड विद ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लान्ड नंबर ऑफ डोम्स ऑन द राम मंदिर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 5. तो देखिए बेसिकली जो मेन डोम्स हैं अयोध्या राम मंदिर में उनका जो नंबर है दैट इज 5. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ओवर सीइंग द कंस्ट्रक्शन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एल के अडवाणी. तो एल के अडवाणी ये हेड थे ऑप्शन नंबर. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंपत राय. तो चंपत राय ही वॉज द हेड ऑफ द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन. ये आपने ध्यान में रखना है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन.